हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने करीबन 11 लाख पैन कार्ड को बंद करने का फैसला कर दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस 11 लाख बंद होने वाले पैन कार्ड में कहीं आपका तो नाम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने करीबन 11 लाख पैन कार्ड को बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा कार्ड दिए गए हैं। पैन कार्ड को बंद करने के बाद से ही लोगों में मन ही मन में ये आशंका है कहीं उनका पैन कार्ड तो निष्क्रिय नहीं कर दिया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड की पहचान 27 जुलाई तक की गई है। इसकी संख्या करीबन 11 लाख के करीब है और गवर्नमेंट ने इन पैन कार्ड को बंद कर दिया है। इसके साथ में गवर्नमेंट ने यह भी बताया है करीबन 2000 पैन कार्ड फ्रॉड निकले हैं। तो दोस्तों, इसके बीच में सबसे बड़ा जो सवाल ये आ रहा है कि कहीं आपका पैन कार्ड तो बंद नहीं हो गया है। इसके लिए एक तरीका है जिसकी मदद से आप आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया है। इसके लिए दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट का नाम है incometaxindia.efiling.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाते ही लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन नजर आएगा जहां पर लिखा है नो योर पैन। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, एक नया विंडो ओपन होगा। नया विंडो ओपन होते ही आपको वहां पर आपकी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, आपका स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आप वही जानकारी भरें जो आपने पैन कार्ड बनाते समय दी थी। जैसे दोस्तों आप इसको सबमिट करेंगे, इसके बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपको एक ओटीपी नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। और जैसे आप इस ओटीपी नंबर को वहां पे डालते हैं, डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा वैलिडेट का। तो दोस्तों, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन आ जाएगा और रिमार्क के नीचे एक्टिव और अनएक्टिव करके ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपका स्टेटस एक्टिव दिखाता है तो मतलब समझ जाइएगा कि ये पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में है। अगर वहाँ पे आपको अनएक्टिव दिखाएगा तो समझ जाएगा कि ये पैन कार्ड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।